औद्योगिक क्षेत्र के थाना सागौर के अंतर्गत मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग नेट्रेस ऑटो टेस्टिंग टेक के सामने शिरडी दर्शन कर लौट रहे इंदौर के दंपत्ति के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा रापी लगाकर कार को पंचर कर दिया और योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की इस घटना में नकदी और जेवरात सहित करीब 1 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। वहीं अज्ञात बदमाशों द्वारा दंपत्ति के साथ मारपीट भी की गई। वहीं एक व्यक्ति इस लूट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए महू के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। फरियादी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह शिरडी से आ रहे थे और इंदौर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक गाड़ी पंचर हुई और हम पंचर बनाने नीचे उतरे, तभी कुछ 7-8 लोगों ने हमें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी, जिससे हमारा साथी जो कार का टायर बदल रहा था वह घायल हो गया। लुटेरों ने हमसे जेवर सहित सामान लूटा है और फरार हो गए। हमारे एक साथी ने कुछ दूर स्थित टोल काटे पर जाकर सूचना दी और पुलिस को खबर की गई। गंभीर घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत अभी सामान्य है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बताएं, क्या मामला हुआ है आपके साथ? हम लोग शिरडी से लौट रहे थे इंदौर के लिए, तो उस समय पे इधर अपना मानपुर के थोड़ा आगे रापी से हम लोग के वाहन को पंचर करा गया और उसके बाद में फिर हम लोग जैसे स्टेपनी से मतलब पंचर बनाने के लिए रुके, स्टेपनी निकाली हम लोगों ने और पंचर बनाने के लिए निकले, तो पीछे से कुछ बदमाश आए और उन्होंने मारपीट की, सामान छीन लिया, जो कुछ ज्वेलरी और वो सब पहनी हुई थी वो सब ले ली और घटना को अंजाम देकर भाग गए वापस। लगभग कितने लोग? ये कम से कम करीब 8 से 10 लोग के आसपास थे लोग। आपके बीच में कोई घायल भी हुआ है? एक व्यक्ति मेरा साला है, वो घायल भी हुआ है, उसको सर में चोट भी आई है और हाथ में भी चोट लगी है। अभी कल रात भर ICU में एडमिट था, अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है डॉक्टर्स ने। क्या नाम है उनका? अविराज भाव सर। आपका नाम बता दीजिए। यश भाव सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।